हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माला किचन रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एग ऑनियन यानी अंडा और प्याज का पफ पराठा। ये एकदम खस्ता बनकर तैयार होती है, ऊपर से एकदम खस्ता और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इसे किसी भी प्रकार की चटनी, सॉस या सब्जी के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 कप मैदा लूँगी, इसमें 1 चम्मच चीनी डालूँगी और थोड़ा सा सॉल्ट। डालने के बाद मैदा को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की सहायता से। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की सहायता से। इस तरह से अच्छे से मलना है हमें, ताकि पूरे में अच्छे से रिफाइंड ऑयल जो है मिक्स हो जाए। जब इसका हम पराठा तैयार करेंगे तब ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी। ये देखिए कितना बढ़िया मोयन तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैदे का डो तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1 से 1.5 कप के करीब पानी का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डो एकदम तैयार है। अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में कटा हुआ बारीक प्याज ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 कटा हुआ प्याज लिया है और लेंगे थोड़े से हरी मिर्ची जिनको स्लाइस में काट लिया है एकदम बारीक बारीक, और लेंगे चॉप धनिया के पत्ते और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार सॉल्ट। यहाँ पे लिया है चाट मसाला, आप इसकी जगह जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हाथों की सहायता से अच्छे से मलना है, ताकि प्याज में धनिया और हरी मिर्ची का फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आ जाए। इस तरह से हमें अच्छे से मल लेना है प्याज को। अब ले लूँगी यहाँ पे 3 कच्चे अंडे। इसे हमें प्याज के साथ बढ़िया से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हाथों की सहायता से इस तरह से फेंट लेना है। अब हमें इस अंडे के घोल को जो है साइड में रख देना है और जो हमने डो तैयार करा है उसे ले लेना है। अब इस कपड़े को हटाकर देख लेंगे। ये देखिए डो हमारा एकदम तैयार है। ये देखिए कितना सॉफ्ट तैयार हो गया है ये डो। अब इसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा इस तरह से हमें मल लेना है और इसके लोई तैयार कर लेनी है। इसके 3 टुकड़ों में हमें लोई तैयार कर लेनी है। 1 टुकड़ा जो है कम से कम 2 से 3 रोटी के बराबर है। हमें इतना ही मोटा 1 लोई लेना है, क्योंकि हमें जब इसे बेलेंगे तब इसे काफ़ी बड़ा और काफ़ी पतला बेलना है। अब 1 लोई ले लेना है और उसको हाथों की सहायता से इस तरह से मलते हुए 1 गोल राउंड शेप दे देनी है और थोड़ा सा मैदा लगाकर इसे हमें अब पतला और काफ़ी बड़ा बेल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, लोई को जो है बेल लिया है। देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला बेला है। ये हाथ भी हमारे इस तरह से दिख रहा है आर पार। तो इसी तरह से हमें एकदम पतला काफ़ी बड़ा बेल लेना है, क्योंकि हमें इसे चारों तरफ से फोल्ड करना है। तो अब इस अंडे के मिश्रण को हम सेंटर पे इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा इसे फैला लेंगे। आप इसमें पनीर या चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं। अब इस तरह से हमें दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है और ऊपर नीचे से भी हमें फोल्ड कर देना है। थोड़ा सा अंडे के घोल को इस तरह से फैला लेना है, ताकि अच्छे से चिपक जाए। इसी तरह से चारों तरफ से हमें इसको फोल्ड कर देना है और अच्छे से फोल्ड करना है, ताकि इसे फ्राई करते समय कोई किसी भी तरफ से ये खुले ना। अब इस तरह से हमें हाथों की सहायता से आराम से उठाकर इस तरह हथेली में रखते हुए हमें बहुत ही आराम से तेल में डाल देना है। याद रखें, जो फोल्ड वाला साइड है उसे हमें नीचे रखना है, ताकि नीचे की साइड से वो जल्दी से सिक जाए और वो खुले ना। नीचे से सिक जाने के बाद इसे हमें उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से बढ़िया से गोल्डन फ्राई कर लेना है। इसे हमें मीडियम आंच पर ही रखना है या धीमे आंच पर, ताकि ये दोनों तरफ से कच्ची ना रह जाए, बढ़िया से सिक जाए। आंच को जो है बिल्कुल भी तेज नहीं करना, इस तरह से स्लो आंच पर रखते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। स्लो आंच पर रखने से ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनकर भी तैयार होंगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट।
तो फ्रेंड्स, पराठा बनकर एकदम तैयार है। इसे हमें निकाल लेना है और अच्छे से तेल को इस तरह से झाड़ लेना है। ये देखिए, एकदम खस्ता बनकर तैयार है। आपको देख के ही लग रहा होगा। इस तरह से चाकू की सहायता से इसे हमें पीसेस में काट लेना है। पीस आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। बाहर से एकदम खस्ता और अंदर एकदम सॉफ्ट, बहुत ही फ्लेवरफुल। अब इसे बनने के बाद इसमें आप चाट मसाला या जीरा पाउडर भी छिड़क के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी चटनी या सब्जी के साथ बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।